नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा। ले चलते हैं आपको चमोली की ओर। पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कर्णप्रयाग पुलिस चौकी को बीती शाम एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 16.45 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक युवक को कर्णप्रयाग के गांधीनगर से गिरफ्तार किया है। इस युवक के खिलाफ NDPC की धारा के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया। चमोली से सोनू उनियाल की रिपोर्ट। धन्यवाद। ये जनपद चमोली में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में नशे के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कल दिनांक 3/11/2020 को एक अभियुक्त 16.45 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया, जिसके विरुद्ध थाना कर्णप्रयाग में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जो 8/21 NDPS एक्ट के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें विवेचना चल रही है। सर, कहाँ का रहने वाला है व्यक्ति बताएं? ये जो जिसके पास से पकड़ी गई है, ये संगला कोटी पौड़ी जनपद में जगह है, वहाँ का रहने वाला है, लेकिन बेसिकली ये श्रीनगर में रहता है और वहीं से इसने बताया कि वहीं से मैंने खरीदी थी और बेचने के लिए इधर कर्णप्रयाग लाया था।